अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जनाब सैयद शाह हुसैन गर्देजी, आज फिर मैं आप हजरात के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रायवंड की सरजमीन पे खिताब के लिए। तो मैंने सोचा कि रास्ते में हम ननकाना साहब से मोटर पे चढ़े थे, ये देखें, ये सामने टूल प्लाजा है बहुत बड़ा, ये देखें, ये सारा सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, पीछे ट्रैफिक है, ये देखें, ये टूल प्लाजा हम गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, रश है, ये देखें इस तरफ भी, ये तो दूर तक आप देखें प्लाजा है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये ननकाना साहिब की तरफ से हम आए हैं, पहले तो हम चढ़ते थे वहाँ से खानगढ़ डोगरण से, लेकिन आज हम इधर से चढ़े हैं। तो ये देखें, ये भाई, ये टूल प्लाजा यहाँ से गुजर रहे हैं, ये देखें, ये आपको मंदिर नज़र आ रहा है आगे, माशाल्लाह मोटरवे का, ये देखें, ये सारा मंजर आप देख रहे हैं, रात का खूबसूरत मंजर है, ये देखें। और बाकी सब ठीक ठाक है नी माशाल्लाह, ये देखें खलील भाई हैं, पीछे अंधेरा है ज़रा, नवाज़ भाई भी साथ हैं और ये अमजद भी साथ है, ये देखें। तो हम आज रायवंड जा रहे हैं, तो मैंने सोचा रात से बात कर लें, अल्लाह ताला अपने अभी के सदके सबको अपने फरमान में रखे, और अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि हमें भी बखैर वफ़ीयत अपनी मंजिल पे पहुँचाए। तो मैं कोशिश करता हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग बनाऊँ, तो क्योंकि आप लोगों के जो सब्सक्राइब हैं या जो भी लाइक्स हैं, जो भी आप उसको शेयर करते हैं या कमेंट देते हैं, लाइक करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। हालांकि मैं मेहनत करके आपके लिए मसलन वो विरद वजीफे तलाश करके फिर आपको बताता हूँ, ऐसे ही मैं नहीं झूठ रही बंदा आपको बता दे जी ऐसे कर लें जी ये हो जाएगा, नहीं, जो कुरान और हदीस की असल रूह है ना उसके हवाले से मैं बयान करता हूँ, आपको बताता हूँ ताकि आपका उससे फ़ायदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अगर आप जो मैं बताता हूँ उसको सही तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसका फ़ायदा होगा। और नबी पाक साहिब-ए-औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाते वाला सिफात पर दुरूद बेशुमार पड़ा करें, बस ये मैं आपको बार बार तलकीन करता हूँ कि दुरूद पाक का नजराना दुरूद भेजा करें। अल्लाह ताला जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत से मुशर्रफ़ फरमाता है, बुज़ुर्गान दीन की ज़्यारत होती है। दूसरे नंबर पर जो हज़रत अलामा मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब हैं, मौलाना सईद अहमद असद साहब दामत बरकातहुल आलिया आपके वालिद गिरामी, उन्होंने किताब लिखी है आबे कौसर, उसमें दुरूद पाक की फजीलतें हैं, वो पढ़ें, बहुत ही आपको उसका फ़ायदा होगा। बुज़ुर्गों से मैंने सुना है कि जो वो किताब रोज़ाना पढ़ के सोएगा ना, थोड़ी पढ़ ले या ज़्यादा पढ़ ले, अल्लाह के फजल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ़ होगा। कोशिश किया करें बावजू रहें और उस किताब का मुतालिया करें, दुरूद पाक के हवाले से है वो किताब, ठीक है, तो आप लाजमी तौर पे उसका मुतालिया करें और कोशिश करें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाँच वक्त की नमाज को बाकायदगी से आप पढ़ें और घर में कुरान पाक की तिलावत करें। घर में कुरान पाक पढ़ने से
घर की जितनी भी परेशानियां वो दूर होती हैं। सदका और खैरात लाजमी किया करें, सदका करने से बहुत सी बलाएँ दूर हो जाती हैं। सदका तो रमतुल बला, जो सदका है वो बलाओं का रद्द होता है, तो सदका ज़रूर दिया करें चाहे कुछ भी हो। 10 रुपये ही चाहे आप सदका निकालें, सदका ज़रूर ज़रूर पर ज़रूर निकाला करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, कुरान पाक की तिलावत, सदका और खैरात, ये जो चीज़ें हैं ये अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। जब तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ज़िंदा रहें ये काम ज़रूर करते रहें। अल्लाह ताला के फजल करम से आपको कोई परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बीमारियाँ भी दूर होती रहेंगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हम सबको बख़ैर वफ़ियत रखे। मेरा चैनल शाहिद गर्देज़ी ऑफिशियल और सैयद शाहिद हुसैन गर्देज़ी ऑफिशियल, इन दोनों चैनलों पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको नई वीडियो, नई ब्लॉग के साथ और नई ही दीनी बात के साथ आपको वसूल हो। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।